हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक JRF पोजीशन के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं JRF विद PhD अपॉर्चुनिटी के बारे में। ठीक है, और ये वैकेंसी कहाँ की है? ये वैकेंसी ये आप देख सकते हैं IIT BHU। ठीक है, ये IIT BHU में वैकेंसी है, IIT BHU बनारस। ठीक है ना, तो एक बार जरा इसको डिटेल में देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या टाइटल है, क्या पेमेंट है। ठीक है, तो देखिए ये आप देख सकते हैं, ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, JRF विद PhD अपॉर्चुनिटी, मतलब JRF की आपको पोजिशन मिलेगी और आपको PhD में भी एनरोल किया जाएगा और आपको फाइनली जो है PhD की डिग्री मिलेगी। ठीक है, तो देखिए एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम मोटिवेटेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोजिशन ऑफ JRF, फॉर द पोजिशन ऑफ JRF, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसका टाइटल है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेट्राहर्ट्ज बैंड कम्युनिकेशन फॉर नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस नेटवर्क्स, और ये स्पॉन्सर्ड है SERP के द्वारा, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली प्रोजेक्ट फोकसेस ऑन 6G एंड बियॉन्ड वायरलेस नेटवर्क डिजाइन एंड एनालिसिस, नेटवर्क डिजाइन एंड एनालिसिस। सिलेक्टेड JRF विल बी इन्वॉल्व इन द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग एंड कम्युनिकेशन पार्ट ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट, कम्युनिकेशन पार्ट ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया JRF की पोजिशन है, एक पोजीशन है, एक साल के लिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ फॉर 1 ईयर एक्सटेंडेबल फॉर ऑन परफॉर्मेंस बेसिस, सिलेक्टेड कैंडिडेट मे बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम एज अ रेगुलर फुल टाइम स्कॉलर एट IIT BHU, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था JRF विद PhD अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इसका जो फेलोशिप अमाउंट है, एमोल्यूमेंट है, वो कितना रहेगा? 31,000 प्लस HRA, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे क्या मांगी है, देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो यहाँ पे ये पैरामीटर्स हैं, वन ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, या फिर ये होना चाहिए। देखिए पहला है BE हो, BTEC हो, विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, लेकिन इसके साथ साथ जो है गेट का जो वैलिड स्कोर होना चाहिए। दूसरा क्या है, ME हो, MTEC हो इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड सिग्नल प्रोसेसिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड गेट क्वालिफाई। ठीक है, यहाँ पे वैलिड स्कोर, या अगर मान लो BE या BTEC है तो वहाँ पे गेट का वैलिड स्कोर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया। अगर MTEC है तो वैलिड गेट स्कोर की जरूरत नहीं है, लेकिन गेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग, जो एक्सपीरियंस है आपका उसमें, ये सिग्नल प्रोसेसिंग एरिया, मशीन लर्निंग, वायरलेस कम्युनिकेशन एंड रेटेड फील्ड इज डिजायरेबल, ये चीज जो डिजायरेबल है कि ये इतना एक्सपीरियंस आपको होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए एज लिमिट की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो अपर एज लिमिट इन्होंने दी है यहाँ पे 28 ईयर्स। ठीक है, 28 साल यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है, और इन्होंने रिलैक्सेशन की बात कही है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। ठीक है, तो कुछ ये जनरल टर्म्स हैं, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा पोजीशन का क्या कंडीशन है, कैसे प्योरली टेम्पररी, एंड जैसा कि सारे प्रोजेक्ट्स में होती है जो पोजीशन है वो टेम्पररी बेसिस पे ही होती है। और बाकी PI हैज द डिस्क्रिशन टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर, ये बाकी ये दोनों, ये दो तीन पॉइंट्स आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पे देखिए TADA विल बी, देखो TADA यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, ये नो TADA यहाँ पे। अगर मान लो आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, आप जो अपना रिज्यूम भेजने के बाद से अगर मान लो आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो वहां पे जो है इंटरव्यू अटेंड करने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई TADA नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और इससे पहले की जो लाइन है, कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन इमीडिएटली इफ सिलेक्टेड, तो मान लो अगर सिलेक्ट होते तुरंत आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और उसे और उसके बाद में, और दूसरा जो वहां अगर आप जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए तो किसी भी तरह का आपको कोई TADA नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब ये है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ डिटेल्ड CV, अपना डिटेल्ड CV बना के जो है, डॉक्टर संजीव शर्मा जी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग IIT BHU। ठीक है, तो इनकी ये मेल ID है sanjeev.ece@iitbhu.ac.in, तो इस पे आप अपना रिज्यूम भेज सकते हैं। ठीक है, और रिज्यूम को भेजने की जो लास्ट डेट है आपकी क्या है, 13th फरवरी।
ठीक है, 13 फरवरी ये लास्ट डेट है, ठीक है ना। तो 13 फरवरी तक जो आपका इनके पास रिज्यूम पहुंच जाना चाहिए। और जो भी देखो, सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात जो है, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंटीमेटेड बाय ईमेल फॉर द ऑनलाइन इंटरव्यू। मतलब देखो, यहाँ पे अगर मान लो इस समय ऑनलाइन का चल रहा है, अगर मान लो ऑफलाइन अगर आपको जाना होता तो वहाँ पे आपको किसी भी तरह का जो है TA-TA नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और ऑनलाइन की कह रहे हैं तो फिर वो तो फिर आपको टाइम भी बचेगा आने जाने में, बाकी सारी चीजें हैं इनकी, TA-TA की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये था, और इस तरह से मैं जो भी रिसर्च से रिलेटेड वैकेंसी आती रहती हैं तो उनके बारे में मैं आपको देता रहता हूँ सारी न्यूज। दूसरा, जो भी रिसर्च रिलेटेड जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से थीसिस देखे हैं, किस तरह से कौन सा जनरल, किस तरह से जनरल सर्च करें, किस तरह से जो है सिनॉप्सिस सर्च करें, और कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेस होने वाली हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं इस चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ। तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जो आइकन है उसको क्लिक कर दें, ताकि टाइम टू टाइम आप लोगों के पास जो है इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।